हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है विक्की यादव। सो ये है दोस्तों रियलमी का नार्जो 50। और इस फ़ोन को दोस्तों आज मैं 20 दिनों से एज ए प्राइमरी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में गाइज मैं अपना इस फ़ोन के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस फ़ोन के साथ में, डेली यूजेज में कैसा है ये फ़ोन, कैसा परफॉर्म करता है, क्या है इस फ़ोन की खूबियाँ कमियाँ, एवरीथिंग दोस्तों आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग इस फ़ोन को लेने का सोच रहे हो और आप लोग कन्फ्यूज़ हो कि भाई इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उस डाउट को भी दोस्तों आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन एंड बिल्ड की। तो डिज़ाइन एंड बिल्ड दोस्तों अच्छा है फ़ोन का। प्लास्टिक बैक मिलता है आपको फ़ोन के पीछे, ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है और लाइन लाइन सा टेक्सचर डिज़ाइन भी दिया गया है। एंड पीछे जो कैमराज हैं दोस्तों वो आपको रियलमी 8 सीरीज़ की तरह देखने को मिलते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है फ़ोन का, काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों फ़ोन देखने में। और बिल्ड भी दोस्तों बढ़िया है, काफ़ी सॉलिड लगता है फ़ोन हाथ में पकड़ने पर। ऐसा नहीं है कि चीप सा फील होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है कि फ़ोन का जो बैक है दोस्तों उस पर फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी लग जाते हैं और स्क्रैचेस भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इस फ़ोन को परचेस कर रहे हो तो आप फ़ोन के बैक में लेमिनेशन करवा लेना, नहीं तो बैक कवर लगा के इस फ़ोन को यूज़ करना, ठीक है। बाकी इन हैंड फील भी दोस्तों फ़ोन का अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबली दोस्तों फ़ोन हाथ में फिट हो जाता है और काफ़ी स्लिम भी है। थोड़ा सा दोस्तों फ़ोन आपको हैवी ज़रूर लगेगा, लेकिन यूज़ करते करते दोस्तों आपको आदत पड़ जाएगी। मेरे को भी दोस्तों पहले दिन ये फ़ोन हैवी लग रहा था हाथ में पकड़ने पर, बट यूज़ करते करते दोस्तों आज मुझे जो है हैवी बिल्कुल भी फील नहीं होता है। सो आपको भी नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों डिज़ाइन एंड बिल्ड अच्छा है फ़ोन का प्राइस रेंज के हिसाब से, ठीक है। और फ़ोन के सामने दोस्तों आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलती है। और जो डिस्प्ले दोस्तों वो भी बढ़िया है। मैंने दोस्तों इस फ़ोन में बहुत सारी मूवीज़ देखी, बहुत सारे वीडियोस देखे, और मैं आप लोगों से दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मज़ा आया। कलर्स दोस्तों काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं डिस्प्ले में, LCD डिस्प्ले होने के बावजूद भी। और जो ब्लैक कलर्स हैं दोस्तों वो भी आपको जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि AMOLED डिस्प्ले की तरह आपको डीप ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे खासे ब्लैक्स आपको जो है देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले में। और डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स भी दोस्तों अच्छे हैं, साइड साइड से भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले दिखती है। और डिस्प्ले में दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे दोस्तों डिस्प्ले जो है काफ़ी स्मूथ काम करती है, एकदम मक्खन की तरह चलती है। स्क्रॉलिंग वगैरह करने में दोस्तों बहुत मज़ा आता है और गेमिंग करने में तो भाई स्वाद ही आ जाता है भाई। और बाकी दोस्तों डिस्प्ले के साइड में जो बेजल्स हैं वो भी आपको जो है काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, चिन भी एवरेज साइज़ का ही देखने को मिलता है। एंड ब्राइटनेस भी दोस्तों आपको काफ़ी सफिशियंट मिलती है डिस्प्ले में। आउटडोर विजिबिलिटी दोस्तों डिस्प्ले की बहुत अच्छी है, मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। और डिस्प्ले में दोस्तों आपको L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो आप Amazon और Netflix पर जो कंटेंट होता है उसको फुल HD में देख पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। और आज दोस्तों मैं इस फ़ोन को 20 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक दोस्तों मुझे डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। सो यह कह सकते हैं दोस्तों कि इस फ़ोन की डिस्प्ले भी जो है अच्छी है, ठीक है। और ऑडियो क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो इस फ़ोन में आपको सिंगल स्पीकर्स मिलते हैं, ड्यूअल स्पीकर्स आपको नहीं मिलते हैं इस फ़ोन में, लेकिन सिंगल स्पीकर होने के बावजूद भी दोस्तों जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी है और काफ़ी लाउड आवाज़ प्रोवाइड करता है दोस्तों इस फ़ोन का स्पीकर, तो आपको ड्यूअल स्पीकर की कमी जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली है इस फ़ोन में। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फ़ोन में दोस्तों आपको MediaTek Helio G96 प्रोसेसर मिलता है। और जो G96 प्रोसेसर है दोस्तों वो तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि कितना फास्ट और पावरफुल प्रोसेसर है। ऐप ओपनिंग दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लगी है, फोन की काफी फास्ट एप्स को ओपन कर देता है ये फोन। नॉर्मल टास्क में दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और मल्टीटास्किंग भी दोस्तों आप जो है इस फोन में बड़े ही आराम से कर पाओगे। लेकिन दोस्तों जो रैम मैनेजमेंट है वो इस फोन का जो है मुझे अच्छा नहीं लगा है। ये जो फोन है दोस्तों ये मेरे पास 4GB 64GB वाला वेरियंट है, हो सकता है कि 6GB और 128GB वाले वेरियंट में आपको रैम मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिले, लेकिन 4GB और 64GB वाले वेरियंट में दोस्तों आपको रैम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो BGMI आप इस फोन में
स्मूथ प्लस अल्ट्रा और HD हाई पर खेल सकते हो। बाकी दोस्तों BGMI खेलने में जो है बहुत अच्छे से चलती है, लैग बिल्कुल भी नहीं होती है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले में, तो गेमिंग करने में दोस्तों और मजा आता है। बट सबसे अच्छी बात दोस्तों मुझे इस फोन की ये लगी है कि कंटिन्यूसली गेमिंग करने पर और फोन लगातार यूज करने पर भी ये फोन जो है हीट नहीं होता है जल्दी। सो ये चीज मुझे इस फोन की बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, सो ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है इस फोन के साथ में। ठीक है, और गाइस जो फिंगरप्रिंट सेंसर है और जो फेस लॉक है ये भी दोस्तों अच्छे से काम करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इनमें भी। और सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों तो इस फोन में आपको अभी भी एंड्रॉयड 11 मिलता है और रियलमी UI 2.0 मिलता है, आपको एंड्रॉयड 12 नहीं मिलता है इस फोन में। वैसे मेरे हिसाब से तो देना चाहिए था, लेकिन मे बी इन फ्यूचर आपको अपडेट के जरिए एंड्रॉयड 12 मिल सकता है। ठीक है, और अब इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इस फोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है दोस्तों वो आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। फोन के रियर में दोस्तों आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है, जहाँ पे दोस्तों जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और बाकी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का जो है डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। जो मेन सेंसर है दोस्तों वो काफ़ी आई प्लीजेंट और काफ़ी इंप्रेसिव फोटोज़ क्लिक करता है। फोटोज़ में दोस्तों जो डिटेल्स हैं काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं और जो कलर्स हैं दोस्तों वो आपको पंची देखने को मिलते हैं। स्किन टोन आपको नेचुरली देखने को मिलेगा फोटो में। बाकी जो डायनेमिक रेंज है दोस्तों वो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से डायनेमिक रेंज को मेंटेन कर लेता है रियर कैमरा फोटो में। और पोर्ट्रेट शॉट्स भी दोस्तों एकदम डिसेंट तरीके से क्लिक करता है रियर कैमरा। एज डिटेक्शन बहुत ही बढ़िया है और जो माइक्रो लेंस है दोस्तों वो भी ठीक ठाक माइक्रो शॉट्स क्लिक कर लेता है। वैसे दोस्तों क्या आप माइक्रो लेंस यूज़ करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से तो दोस्तों माइक्रो लेंस जो है वो यूज़लेस ही है। ठीक है, और फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों तो फ्रंट में आपको जो है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर लेता है। स्किन टोन दोस्तों आपको सेल्फी में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और बाकी सेल्फी में जो आपकी डिटेल्स हैं दोस्तों वो काफ़ी अच्छी आती हैं। बैकग्राउंड की डिटेल्स थोड़ी सी हेजी देखने को मिलती हैं सेल्फी में, और सेल्फीज में भी दोस्तों आपको कलर्स पंची देखने को मिलते हैं। और फ्रंट कैमरे का भी दोस्तों डायनेमिक रेंज अच्छा है और पोर्ट्रेट शॉट्स भी दोस्तों फ्रंट कैमरा जो है काफ़ी अच्छे निकालता है, इसका भी एज डिटेक्शन बढ़िया है। तो डे लाइट में तो दोस्तों इस फोन के कैमराज अच्छा परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन बात करें अगर लो लाइट की तो लो लाइट में भी दोस्तों इस फोन के कैमराज जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लो लाइट में भी दोस्तों काफ़ी क्लियर और शार्प फोटोज निकालते हैं इस फोन के फ्रंट और रियर दोनों ही कैमराज। नाइट मोड दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है इस फोन का। और वीडियो क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो आप इस फोन के फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरा से मैक्सिमम 1080p 30fps पर वीडियो को शूट कर सकते हो एंड द वीडियो क्वालिटी इज आल्सो गुड। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि आपको इस फोन के फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरास में EIS का सपोर्ट मिल जाता है बेटर स्टेबलाइजेशन के लिए। और जो EIS है दोस्तों वो दोनों ही कैमरास का काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, वीडियो जो है बिल्कुल भी शेक नहीं होती अगर आप वॉकिंग करते हुए वीडियो को शूट करते हो तो। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप एक ब्लॉगिंग के लिए फ़ोन ढूंढ रहे थे 12-13 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में, सो ये फ़ोन दोस्तों ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल सही रहेगा। और इस फोन में दोस्तों आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है और 33W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बैटरी बैकअप की बात करें दोस्तों तो अगर आप इस फ़ोन को नॉर्मल यूज़ करोगे तो आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली लगातार इस फ़ोन को यूज़ करोगे तो आपको जो है 1-2 बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और जो 33W का जो चार्जर है दोस्तों वो इस फ़ोन को 0-100% तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू। नाउ अब बात करते हैं कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो 12-13 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तों मैं कहूँगा कि ये फ़ोन जो है बहुत ही अच्छी डील है आप लोगों के लिए। काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें दोस्तों ये फ़ोन आपको ऑफर करता है, जैसे कि डिस्प्ले अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है फ़ोन की, कैमरा परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, बैटरी एंड चार्जिंग सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। और अगर आप देखोगे सेम स्पेक्स आपको जो है रियलमी 8i में भी मिलते हैं और इन्फिनिक्स नोट 11s में भी सेम स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो दोनों फ़ोन दोस्तों 14-15 हज़ार रुपये में आते हैं और ये फ़ोन दोस्तों आपको जो है सिर्फ 13 हज़ार रुपये में मिल रहा है और सारे ऑफर्स लगा के आपको ये 11-12 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। सो बहुत अच्छी डील है दोस्तों ये फ़ोन आपके लिए, आप इसको खरीद सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो यार, मैंने बोल दिया ना, भरोसा रखो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।